एवरीवन, हाउ आर यू? सो हम क्या कर रहे थे, हम चैप्टर पॉलीनोमियल्स कर रहे हैं और हम एक्सरसाइज 2.5 कर रहे हैं एंड वी हैव रीच्ड 8 questions, 7 questions तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं एंड ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बच्चों को पता नहीं क्यों टफ लगता है. जिसको टफ लग रहा है, जो अपने आप ये चैप्टर कर रहा है, प्लीज़ मेरी वीडियोस को शुरू से देखना शुरू करें. जब मैंने पॉलीनोमियल स्टार्ट किया था, अच्छे से देखिए, एक एक चीज़ देखो, टफ नहीं लगेगा. आई कैन एश्योर यू टफ नहीं लगने वाला आपको ये चैप्टर, ठीक है? चलो अभी हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट पार्ट. ओके, ये वाला जो क्वेश्चन मैं कराने जा रही हूँ, इसके ऊपर बेस्ड मैंने आइडेंटिटी और एग्जाम्पल आपको तब कराया है जब मैंने एग्जाम्पल्स करवाए हैं इस एक्सरसाइज से पहले. जिसने वो वाली वीडियो नहीं देखी, पहले वो वाली वीडियो देखो, बहुत अच्छे से समझ आएगा ये वाला क्वेश्चन उसके बाद, ठीक है? चलो अब क्या है, 8a³ + b³ + 12a² + 6ab² एक मैंने आइडेंटिटी करी थी, a+b³³ = aq + bq + 3ab × a+b. एक चीज़ तो मैंने ये बताई थी और मैंने एक चीज़ और बताई थी अपनी पिछली वीडियोस में कि अगर मैं इस आइडेंटिटी को ओपन कर दूं तो मेरी कौन सी फॉर्म आएगी. ये देखो, अगर मैं इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो मेरा ये आएगा 3a² b + 3ab² ठीक है? अब इसको और इसको ध्यान से देखो, थोड़ा थोड़ा सिमिलर लग रहा है ना हमको, aq + bq+, यहाँ से कुछ आने वाला है ये चीज़, 3 लेकिन नज़र नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं, देखते हैं, लाके देखते हैं. अगर ये वाली फॉर्म आ गई, दैट मीन्स वो हमसे क्या चाह रहे हैं, वो हमसे आंसर इस फॉर्म में चाह रहे हैं. क्योंकि मैंने आपको बोला था, अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है तो हमें इस आंसर ऐसा आंसर लाना है, अगर इस फॉर्म में दे रखा है तो हमें ऐसा आंसर लाना है. अब इसका मतलब मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि ये वाली फॉर्म हो सकती है, तो मुझे ये 3 को बाहर शो करके दिखाना है कि भाई सच में ये वाली फॉर्म है. अब वो कैसे लाएं, देखो बहुत ईजी है. यहाँ पर तो मुझे नज़र आ रहा है साथ साफ साफ कि मैं इसको 2a³ लिख सकती हूँ, और यहाँ पर भी साफ साफ नज़र आ रहा है कि मैं b³ लिख सकती हूँ. लेकिन यहाँ आके मैं फंसती हूँ कि मैं क्या कॉमन लूँ. कॉमन तो देखो 6 आ रहा है मेरा, लेकिन मेरे को तो यहाँ 3 कहीं चाहिए, है ना? तो अभी ये स्टेप रुक जाते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है? आगे क्या करें, 2a³ + b³ + देखो यहाँ पर ना, इससे मेरे को ये पता चल रहा है कि ये मेरा a है और ये मेरा b है, है ना? और मेरा फॉर्मूला है ये वाला भी, ये और ये सेम ही है एक्चुअली, है ना? तो मैं पहले ये ले आती हूँ 3 × ऊपर मैं देख ही नहीं रही, इन दोनों को मैं भूल गई अभी, ठीक है? aq + bq + 3 × a × b और a+b, ऐसे लिख दो, ठीक है? अब इससे ऊपर वाला स्टेप लिखो, 3 × 2 = 6 ab और 2a+b एज इट इज, ठीक है? अब इससे ऊपर वाले स्टेप पे आते हैं, वेरीफाई करते हैं क्या हमने जो कॉमन लिया वो सही लिया, ठीक है? 6 × 2 = 12 ab × a² b this × this 6ab × b ये आ गया, वेरीफाई हो रहा है ना, आ रहा है ना क्वेश्चन. तो यहाँ पर अगर बच्चे अटक रहे हैं तो छोड़ दो अभी ये, पहले ये वाली चीज़ लिख लो. और इसके बाद अब मेरे को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मेरी ये वाली फॉर्म बन रही है. जब ये वाली फॉर्म बन रही है तो इसको इधर ले आओ, ऐसे ले आओ. कैसे, ए और बी तो मेरे आइडेंटिफाई पहले से ही हो चुके हैं, सिर्फ हमें उनको शो करना था कि हाँ भाई सच में ये वाली आइडेंटिटी है, इसलिए मैंने ये सब तामझाम किया, ठीक है ना? तो 2a + b³ दैट वुड बी माई आंसर. सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट. इन सेकेंड पार्ट में कहीं पर माइनस है, कहीं पे प्लस है. अब हमको ये नहीं समझ आ रहा कि कौन सी आइडेंटिटी है. देखो मैंने आपको ये समझाया था कि a³ = aq - bq - 3ab × a - b, ये समझाया था, ठीक है? अब यहाँ पर तो मैंने ये समझाया था कि अगर माइनस वाली आइडेंटिटी है तो थ्रू आउट माइनस साइन आएगा, प्लस आएगा ही नहीं. लेकिन यहाँ पर तो कहीं पर माइनस है, कहीं पर प्लस है, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम इसको खोलते हैं तो वो हमारा आ जाएगा ये. इसको इससे करो, इसके इससे करो, मल्टीप्लाई करो. इसको इससे करूँगी तो 3a² b आएगा और माइनस का आएगा. लेकिन जब मैं इसको इससे करूँगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3ab² आ जाएगा. तो हो गया ना कहीं माइनस कहीं प्लस, इन्होंने आइडेंटिटी को खोला हुआ है, दैट इज़ वाई ऐसा हो रहा है, ठीक है? अब क्या करेंगे हम इसको तो लिख देंगे 2a³ और इसको लिख देंगे b³. यहाँ तक तो आसान है, लेकिन इसमें से क्या कॉमन लूँ कुछ नहीं समझ आ रहा. नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ, नेक्स्ट स्टेप पे फिर से यही लिखो, 2a³ - b³ और आगे लिखो माइनस ये वाला
3 इंटू ए इंटू बी और आगे a माइनस बी यानी 2a माइनस बी, ठीक है। अब इससे वापस आओ, कैसे 3 टू जै 6ab और ये एज इट इज 2a माइनस बी, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 6 टू जै 12a स्क्वायर बी माइनस का आ गया, 6ab स्क्वायर आ गया वो भी माइनस माइनस प्लस का, तो दैट मीन्स हमारे क्वेश्चन में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। ये वाली आइडेंटिटी पूरी की पूरी नज़र आ गई कि बन रही है। जब ये वाली फॉर्म बन रही है तो आंसर किस फॉर्म में छोड़ना है, इस वाली फॉर्म में, तो यानी 2a माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्म में हमारा आंसर आ जाए। सो दिस इज़ द थर्ड पार्ट, एंड थर्ड पार्ट में भी कहीं पर माइनस है और कहीं पर प्लस है, तो इसका मतलब हमारी जो आइडेंटिटी यूज़ होगी वो माइनस वाली होगी। अगर थ्रू आउट प्लस होता तो प्लस वाली आइडेंटिटी यूज़ होती, ठीक है ना। तो ये वाली क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, जो कि इन्होंने खोल के दे रखी है, किस तरह से, माइनस 3a स्क्वायर b, इसको इससे करो तो, और अगर इसको इससे करो तो 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से 3 का क्यूब लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 5a का क्यूब। आगे मेरे को नहीं समझ आ रहा इसलिए मैं नेक्स्ट वाली लाइन पहले लिखूंगी, जो कि आएगी मेरी 3 का क्यूब माइनस 5a का क्यूब और माइनस 3ab, यानी 3 इंटू ए मेरा है 3 और b है मेरा 5a और फिर a माइनस बी, है ना। अब इसको वापस यहाँ पर आते हैं, 3 3s are 9 5s are 45a और ये माइनस यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ अंदर वाला एज इट इज़। ये अब डायरेक्टली अगर मैं तुम्हें यहाँ से यहाँ बताऊँगी थोड़ी सी मुश्किल होगी, इसलिए मैं ऐसे बताती हूँ। अब 45 इंटू 3 इज़ ये, ठीक है, और दिस इंटू दिस इज़ ये 225 और माइनस माइनस प्लस, सेटिंग बिल्कुल सही बैठी है, ठीक है। तो अब मेरा ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि भाई ये वाली टर्म हमारी बन रही है, ये वाला जो साइड है हमारी वो बन रही है, तो दैट मीन्स मेरे को आंसर इस फॉर्म में छोड़ना है। तो इसका मतलब माई आंसर विल बी 3 माइनस 5a का होल क्यूब, क्योंकि a माइनस b के होल क्यूब मत आंसर छोड़ना है, a इज़ दिस b इज़ दिस, तो 3 माइनस 5a का होल क्यूब विल बी माई आंसर। So now this is our fourth part and which is again बिल्कुल similar जो कि हमने first three parts किए हैं। क्या किए हैं, a माइनस बी का होल क्यूब जो कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी होता है, और इसको खोलते हैं तो हमारा आता है 3a square b और 3ab square, है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, फिर से इसमें 64 किसका क्यूब है, 8 का नहीं लिखना, 4 का लिखना है, 8 8 64 होता है ना, तो यहाँ पर किसका लिखना है, 4a का क्यूब। ये किसका क्यूब है, 3b का क्यूब। आगे नहीं समझ आ रहा छोड़ दो, फिर से यहाँ पर ये वाली दो चीज़ें तो सेम आएंगी, और यहाँ पर क्या आएगा, 3ab a माइनस बी, 3 इंटू ए इंटू बी और a माइनस बी। अब इससे ऊपर वाला स्टेप, 3 4 जा 12, 12 3 जा 36ab और 4a माइनस 3। अब इससे ऊपर वाला स्टेप वेरिफिकेशन, 36 इंटू 4 इज दिस मच, ए बी इंटू ए इज ए स्क्वायर बी और वो भी माइनस का, 36ab इंटू 3 इज दिस मच एंड माइनस माइनस प्लस, बिल्कुल ठीक सेटिंग। दैट मीन्स ये पूरी की पूरी हमारी साइड बन गई। हमें क्या लाना है, a माइनस बी का होल क्यूब विच इज 4a माइनस 3b का होल क्यूब, क्योंकि यहाँ पर a मेरा ये है और b मेरा ये है। सो दिस वॉज आवर फोर्थ पार्ट, दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 8, और जो कि बच्चों को पता नहीं क्यों टफ लगता है, जहाँ पर फ्रैक्शन देखा, भाई अगर फर्स्ट फोर पार्ट्स बिना फ्रैक्शन के थे तो कर दिए आसानी से, फिफ्थ पार्ट में फ्रैक्शन में दे दिया तो क्या प्रॉब्लम हो गई। देखो ये भी बिल्कुल सेम हम वैसे ही करेंगे, हमें पता चल रहा है कि यहाँ माइनस प्लस दोनों है, तो दैट मीन्स हमारी यही वाली आइडेंटिटी यूज़ होने वाली है, ठीक है ना, जो पिछले दो तीन पार्ट्स में यूज़ हुई है। अब हमें ये देखना है कि ये किसका क्यूब बन रहा है, जो कि हमें साफ पता है कि ये 3p का होल क्यूब बन रहा है। 216 किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है ना, तो यहाँ पर लिख दियो 1/6 का क्यूब। नहीं समझ आ रहा क्या कॉमन लेना है, छोड़ दो कोई बात नहीं, आगे आओ, 3b का क्यूब माइनस 1/6 का क्यूब माइनस क्या होता है यहाँ पर, 3ab, ये तो पता है ना कि ये a और ये b है, तो यहाँ लिख दो 3 इंटू ए इंटू बी और a माइनस बी, ये तो पता चल रहा है ना। अब इससे वापस आते हैं, क्या आएगा यहाँ पर, 3 और 2 मेरे क्या हो गए, कट गए, मतलब 3 और 6 मेरे कट गए, तो मेरा क्या आ गया, 2 आ गया, तो 3p by 2 यहाँ पर लिख दो, 3p by 2, ठीक है, 3p by 2 आ गया, और यहाँ पर as it is 3p minus 1/6। अब वापस करके देखते हैं, 3 3s are 9, p square upon 2, ये बन गया
अब आ जाओ माइनस माइनस प्लस, अब ये क्या है 3p by 2 into 1 by 6 यानी 1 by 4 और p, 1 by 4 और p, ठीक सेटिंग बैठ गई है ना। तो ये इस तरह से हम उल्टा चलेंगे, ठीक है। अब इसका मतलब हमारा ये जो पूरी लाइन है ये हमारी राइट हैंड साइड बन गई। मुझे किस फॉर्म में छोड़ना है, लेफ्ट साइड वाली, यानी a माइनस बी का होल क्यूब। a क्या है मेरा, ये, b क्या है, ये, तो माय आंसर विल बी 3p माइनस 1 बाई 6 का होल क्यूब आंसर। एक्चुअली हमें साफ पता तो फर्स्ट स्टेप से ही चल जाता है कि ये किसका होल क्यूब बन रहा है, लेकिन फिर भी 2 या 3 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आएगा तो हमें ये 3-4 स्टेप्स तो करके दिखाने ही है ना, और साथ में आइडेंटिटी लिख देना, फिर क्यों मार्क्स कटेंगे, कटेंगे ही नहीं, ठीक है। सो दिस वॉज अवर 8th क्वेश्चन। एंड नाउ मैं आपको पहले भी बोल रही थी कि हमको दो आइडेंटिटीज उन्होंने एग्जाम्पल्स में इंट्रोड्यूस ही नहीं करी, जो कि वो एक्सरसाइज में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, और वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। अभी हमने दो आइडेंटिटीज करी, a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब। क्या करा, a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब, है ना। इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करे, जो 8th क्वेश्चन था वो भी इन दो आइडेंटिटीज के ऊपर था। अब है a क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी ये a क्यूब प्लस बी क्यूब जिसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर ये प्लस वाला है तो माइनस यहाँ पर आता है, ये याद रखना, ठीक है। और अगर a क्यूब माइनस b क्यूब है ना, तो पहले ही माइनस आ जाएगा और बाकी सेकंड ब्रैकेट में कहीं पर भी माइनस नहीं आएगा हमारा, ठीक है। अब देखो हमारा जो ये 9th क्वेश्चन है, जो कि वो हमें वेरिफिकेशन के लिए बोल रहे हैं, वेरीफाई, वो यही है, यही वाली है। क्या लिखा हुआ है उन्होंने, x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू x प्लस y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई को प्रूफ करो, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, एक्चुअली ये लर्न होनी चाहिए बस। अब RHS को उठाओ, मल्टीप्लाई करो और LHS ले आओ। RHS को उठाया, दिस इज माई LHS एंड दिस इज माई RHS। RHS को पिक करो, यहाँ लिखो पूरा का पूरा, और नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन से LHS ले आओ। नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन मतलब पहले ये एक्स लिखा और फिर ये पूरा ब्रैकेट लिख दिया यहाँ पर ऐसे, ठीक है। फिर ये y लिखा प्लस y और फिर ये पूरा ब्रैकेट लिख दिया ऐसे। जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ी सी टर्म्स तुम्हारी कैंसिल आउट हो जाएंगी, कैसे, x इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब प्लस दिस इंटू दिस इज एक्स वाई स्क्वायर, दिस इंटू दिस इज एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस, प्लस नहीं, प्लस माइनस माइनस x इंटू y स्क्वायर। अब देखते हैं लाइक टर्म्स कौन सी हैं। देखो x क्यूब कोई लाइक नहीं है किसी के साथ भी, तो x क्यूब लिख दिया, ठीक है। y क्यूब किसी के साथ लाइक नहीं है तो ये लिख दिया। अब देखते हैं एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर है हमारा ये, तो ये हमारा कट गया क्योंकि ये प्लस का है वो माइनस का है। एक्स स्क्वायर वाई और वाई एक्स स्क्वायर एक ही बात है ना, एक्स स्क्वायर वाई और वाई एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, तो ये कट गए हमारे। सो दिस वुड बी माई सॉरी LHS, दिस वुड बी माई LHS क्योंकि हमने RHS उठाई थी और हम LHS लिया। सो अभी हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं, और सेकेंड पार्ट में भी यही करना है हमको, बिल्कुल सेम टू सेम, और वो है मेरी दूसरी वाली आइडेंटिटी, और वो है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, जो कि वो सॉल्व प्रूफ करने को कह रहे हैं, और वो है ये, ठीक है। फिर से मैं RHS पिक करती हूँ, और वो मेरी है x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये x उठाएंगे, ये ब्रैकेट उठाएंगे, ये आ गया, ठीक है। फिर से क्या करूँगी, ये माइनस वाई उठाऊँगी और ये उठाऊँगी मैं, तो मेरा आ गया ये, ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन करो, दिस इंटू दिस इज एक्स क्यूब, दिस इंटू दिस इज एक्स वाई स्क्वायर, दिस इंटू दिस प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है ना। माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब माइनस वाई इंटू दिस इज माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है ना। एक्स क्यूब के साथ कोई लाइक टर्म नहीं, यहाँ आ गया अकेला, इसके साथ कुछ नहीं, ये आ गया अकेला। एक्स वाई स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर मेरे कैंसिल आउट हो गए, एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई मेरे कैंसिल आउट हो गए, और ये मेरा आ गया LHS। सो दिस वॉज माई 9th क्वेश्चन, जो कि वेरिफिकेशन के लिए तो बहुत कम आता है, लेकिन हाँ इन दो आइडेंटिटीज़ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। एंड जो हमारा 10th क्वेश्चन है वो इन्हीं दो आइडेंटिटीज़ के ऊपर बेस्ड है।
सो जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी उससे पहले आपको ये दो आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए, तभी आपको 10th क्वेश्चन समझ आएगा. ठीक है, सो कीप प्रैक्टिसिंग दिस चैप्टर एंड इफ एनी डाउट डू टेल मी, डू राइट इन कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली सॉल्व योर डाउट अगैन, एक्सप्लेन योर डाउट अगैन. ओके, सो टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे.